आंदोलन में हमने कहा कि सभी लोग आ सकते हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, जिसका भी कोई ज्यादा अच्छा रवैया नहीं रहा है, हम इस मंच के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि कम से कम वो लोग जहां अकेले आए हैं, अकेले जिन्होंने वादा किया था कि हजारों की संख्या में गांव में जाके हम काम करेंगे, कम से कम जो अकेले आए हैं वो शर्म के मारे डूब मरो और मंच तक आने की कोशिश ना करो, क्योंकि ये चुनाव के नौजवान का बेहतर मंच है। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, झुंझुनू में सरकारी कॉलेज का आंदोलन चल रहा था, साथी राम बुराराम लालपुरिया और हम तमाम लोग लगे थे, इस सरकारी की लाठी और गोलियों से ट्रेनिंग, जेल भी गए, लाठियां भी खाई, और आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे भी खाएंगे, लेकिन कॉलेज लेके रहेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो उसके विरोध में है, उसका दायित्व बनता है, पर अगर कांग्रेस भी ये नहीं समझे कि हम विपक्ष में है तो जनता को गुमराह कर देंगे, उनसे भी गहरा भरोसा और विश्वास चाहिए कि वो सरकारी कॉलेज के लिए हमारे लिए क्या करने वाले हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक सत्ता की लड़ाई नहीं, चिड़ा के नौजवान के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं।